सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लैनेटिक पॉइंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अविपति बिंदु की। तो चलिए समझते हैं व्हाट आर एप्लैनेटिक पॉइंट्स, चलिए जानते हैं कि अविपति बिंदु क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको एप्लैनेटिक पॉइंट्स को समझना है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट आर मार्जिनल रेस एंड व्हाट आर पैरा एक्सियल रेस। अगर आप अविपति बिंदु को समझना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सीमांत किरणें हम लोग किसको बोलते हैं और उपाक्षीय किरणें किसे कहा जाता है। इसके लिए हम एक लेंस लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक लेंस कंसिडर किया है, ये रहा एक लेंस, ओके दिस इज अ लेंस, और इस लेंस का एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लेता हूं मैं, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर लेते हैं, ये रहा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। एंड नाउ इस ऑब्जेक्ट से, इस बिंदु वस्तु से बहुत सारी लाइट रेस, बहुत सारी प्रकाश किरणें इस लेंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर इंसिडेंट होंगी। अब उनमें से जो भी लाइट रेस इस लेंस पे इंसिडेंट होने वाली हैं, उनमें से कुछ को हम पैराएक्सियल रेस बोलते हैं, कुछ को मार्जिनल रेस बोलते हैं। चलिए जानते हैं कि किसको आप मार्जिनल रेस बोलेंगे और किनको आप पैराएक्सियल रेस बोलेंगे। तो देखो, जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास में इंसिडेंट होंगी, जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास में इंसिडेंट होंगी उसको हम लोग पैरा एक्सियल रेस कहते हैं, यानी कि उपाक्षीय किरणें कहते हैं। और जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर में इंसिडेंट होंगी, जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर में इंसिडेंट होंगी उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेस, या इसी को आप पेरिफेरल रेस भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर मार्जिनल रेस। अच्छा, लिखना भी तो पड़ेगा, लिख देते हैं। तो ये जो दूर में है वो मार्जिनल रेस है, और जो पास में है वो पैरा एक्सियल है, पैरा एक्सियल, ओके। तो अगर आपको परिभाषा लिखना है तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा यहाँ पे डेफिनेशन हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, उनके लिए कंटेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं नोट्स जो है हिंदी में बना रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन समझ आप सभी जाएंगे, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हों चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, अगर सही में आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं तो हम आपको निराश नहीं होने दूंगा, मतलब मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ओके। चलिए, तो परिभाषा कुछ यूं है, किसी गोलीय परावर्तक अथवा अपवर्तक पृष्ठ, परावर्तक हो या अपवर्तक हो, रिफ्रैक्टिंग हो या रिफ्लेक्टिंग हो, पृष्ठ की मुख्य अक्ष के समीप आती किरणें उपाक्षीय यानी कि पैरा एक्सियल रेस कहलाती हैं। तो जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के समीप आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में आएंगी उसे आप बोलेंगे पैरा एक्सियल रेस, और जो भी लाइट रेस मुख्य अक्ष से दूर आती किरणें यानी कि प्रकाश किरणें, लाइट रेस मुख्य अक्ष से दूर आती किरणें सीमांत किरणें यानी कि मार्जिनल रेस कहलाती हैं। आप इसमें भी समझ सकते हो, ओके। तो देख लीजिए, इसमें ये हमने एक लेंस ले लिया है और ये यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, दिस इज ओ, दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ओ। ये जो रेस है इसको आप क्या बोलेंगे, जो यहां पर इंसिडेंट हुआ है इन्हें आप बोलेंगे मार्जिनल रेस, या इसी को आप पेरिफेरल रेस बोलेंगे, हिंदी में आप इसे सीमांत किरणें बोलते हैं। और जो भी लाइट रेस पास में इंसिडेंट हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, समीप में है, उसे आप क्या बोलेंगे, पैरा एक्सियल बोलेंगे, ओके। एंड नाउ ड्यू टू मार्जिनल रेस एंड पैरा एक्सियल रेस द बोथ रेस, देखो दो रे नहीं होंगे, दो फैमिली बन गई है, दूर वाले और पास वाले। तो जो मार्जिनल रेस हैं दे फोकस एट डिफरेंट पॉइंट एंड द पैराएक्सियल रेस फोकस एट सम अदर पॉइंट, यानी कि उपाक्षीय किरणें और सीमांत किरणें दोनों ही अलग अलग बिंदुओं पे फोकस होते हैं, जिससे कि क्या होगा, जैसे कि एक ही पॉइंट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है तो उसका इमेज मार्जिनल रेस के द्वारा,
इन सीमांत किरणों के द्वारा अगर यहां पे बना है किसी बिंदु जो भी है, इसको ओ डैश ले लीजिए, तो ओ डैश इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड बाई मार्जिनल रेस। लेकिन जो पैराएक्सियल रेस है वो पैराएक्सियल रेस किसी और पॉइंट पे फोकस हुए हैं, जिसे कि इस ओ का ही इमेज किसी अदर पॉइंट पे बनता है। ओ डैश एंड ओ डबल डैश बोथ आर द इमेजेस ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड बाई मार्जिनल रेस एंड पैराएक्सियल रेस रिस्पेक्टिवली। समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से जो मार्जिनल रेस चलती हैं वो किसी और पॉइंट पे फोकस होती हैं, और जो पैराएक्सियल रेस चलती हैं वो किसी और पॉइंट पे फोकस होती हैं, जैसे कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का इमेज मार्जिनल रेस किसी एक पॉइंट पे बनाते हैं और पैराएक्सियल रेस किसी दूसरे पॉइंट पे बनाते हैं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन में एक डिफेक्ट आ जाता है, प्रतिबिंब की रचना में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, और इमेज फॉर्मेशन में जो एक डिफेक्ट आता है उसे हम लोग एब्रेशंस कहते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग एब्रेशंस की बात करेंगे, क्रोमैटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशंस, अलग से टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपको यह समझना है कि मार्जिनल रेस और पैराएक्सियल रेस अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का इमेज मार्जिनल रेस और पैराएक्सियल रेस अलग अलग पॉइंट पे बना रहे हैं, जिससे इमेज फॉर्मेशन में एक डिफेक्ट आ गया है, जिसे हम लोग एब्रेशंस कहते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग एब्रेशंस पढ़ेंगे, याद रखिएगा एब्रेशंस पढ़ेंगे। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो एब्रेशंस के टॉपिक का वीडियो अपलोड हो चुका हो, तो आप एब्रेशंस के वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि अभी मार्जिनल रेस और पैराएक्सियल रेस ने एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज अलग अलग पॉइंट पे बनाया है, जैसे कि इमेज जो होगा डिस्टिंक्ट नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, ब्लर्ड होगा, तो कलरफुल होगा। अगर ये वाइट ऑब्जेक्ट है तो भी इमेज वहाँ पे कलरफुल बनेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे वहाँ पे फोकस हो रहा है। तो ये जो दोष उत्पन्न हो गया है इसकी तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी गोलीय सतह के लिए, गोलीय सतह हो, कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, रिफ्रैक्टिंग हो या रिफ्लेक्टिंग हो, वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, ध्यान दीजिएगा, देयर आर सम पॉइंट्स जहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगा बाय मार्जिनल रेस एंड पैराएक्सियल रेस। यानी कि बिंदु वस्तु के लिए कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिसके लिए मार्जिनल रेस और पैराएक्सियल रेस एक ही पॉइंट पे फोकस होंगी, अलग अलग पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी। मैं समझाना चाहूंगा आपको, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं अभी आपको। मान लो एक ऐसा लेंस है, मैंने ले लिया एक लेंस और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ हो गया, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का एक ऐसा पोजिशन है जिसके लिए ये मार्जिनल रेस और जिसके लिए ये पैराएक्सियल रेस एक ही पॉइंट पे फोकस होते हैं, यानी दोनों के दोनों रेस जो है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही पॉइंट पे फॉर्म करेंगे, और ऐसे पॉइंट्स को ही हम लोग बोलेंगे एप्लेनेटिक पॉइंट्स, यानी कि अविपतन बिंदु। अविपतन क्या, सॉरी क्या था हिंदी में नाम क्या था, अविपति बिंदु, अविपति बिंदु। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स को ही हम लोग बोलते हैं अविपति बिंदु। क्लियर है ये, कहां चले गया मैं, ओके यहां तक था। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे कुछ पोजिशंस हैं, ऐसा एक पोजिशन है जिसके लिए पैराएक्सियल रेस और मार्जिनल रेस दोनों के ही दोनों एक ही पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेंगे, और ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कौन सा पॉइंट, एप्लेनेटिक पॉइंट्स। तो आप कुछ इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो बच्चा, कैसे कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, परिभाषा पढ़ लीजिए। प्रत्येक वक्र पृष्ठ के लिए वस्तु बिंदु की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, वस्तु बिंदु, बिंदु वस्तु है, उसकी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके लिए उपाक्षी तथा सीमांत सभी किरणों के द्वारा तृष्ण बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि बिंदु वस्तु की ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनके लिए मार्जिनल रेस और पैराएक्सियल रेस दोनों के ही दोनों एक ही पॉइंट पर इमेज फॉर्म करेंगे। ऐसे वस्तु तथा प्रतिबिंब बिंदु उस वक्र पर के अविपति यानी कि एप्लेंटिक पॉइंट्स कहलाते हैं। इट मीन्स देयर आर सम पोजिशंस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर विच
The image formed by marginal rays and paraxial rays both are at the same point, and this conjugate points, जो एक बिंदुओं का जो एक समूह मिला है, बिंदुओं का जो एक युग्म मिला है, एक कपल मिला है, इसे हम लोग बोलते हैं एप्लेनेटिक पॉइंट्स. सो यू कैन डिफाइन, आप एप्लेनेटिक पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. देखिए कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से. किसी वक्र पृष्ठ के ऐसे दो संयुग्मी बिंदु कॉन्जुगेट पॉइंट्स जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु के लिए उपाक्षी तथा सीमांत सभी किरणों के लिए दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है, उस वक्र पृष्ठ के अभिपति बिंदु यानी कि एप्लेनेटिक पॉइंट्स कहलाते हैं. ओके, द कॉन्जुगेट पॉइंट्स फॉर विच, अगर देखो दो पॉइंट्स, ऐसा ही दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए कॉन्जुगेट पॉइंट्स मतलब पॉइंट का एक ऐसा कपल है, एक ऐसा समूह है जिसके लिए ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसका जो मार्जिनल रेस निकलेंगी, जो पैराक्सियल रेस होंगी, वो सभी के सभी इस पॉइंट पे ही इमेज फॉर्म करेंगी, अलग अलग पॉइंट पे नहीं करेंगी. और ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कौन सा पॉइंट, एप्लेनेटिक पॉइंट्स. ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप एप्लेनेटिक पॉइंट्स यानी कि अभिपति बिंदु को समझ गए हैं. और अब हम लोग बात करेंगे इस वाले कंडीशन के लिए अभिपति बिंदु की. किस वाले कंडीशन के लिए, दीर्घ वृत्ति तथा परवलयाकार दर्पण के अभिपति बिंदु. यानी कि अगर आपके पास इलिप्टिकल मिरर है या पैराबोलिक मिरर है तो उसके लिए एप्लेनेटिक पॉइंट्स यानी कि अभिपति बिंदु कहां पे होते हैं. तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक पैराबोलिक मिरर. चलो एक पैराबोलिक मिरर मैं कंसिडर करता हूं. ये रहा पैराबोलिक मिरर. ओके, दिस इज अ पैराबोलिक मिरर. ये मैंने एक पैराबोलिक मिरर कंसिडर किया है, और क्योंकि मिरर है तो इसका एक साइड जो है पॉलिश होगा. ये मैंने पॉलिश कर दिया, यहाँ पे देखो. ओके ओके ओके, और इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस भी मैं बिल्कुल बना सकता हूँ. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. अब जब आप ध्यान देंगे, जब ध्यान दीजिए कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस पैराबोलिक मिरर के फोकस पे रख दूं, अगर ऑब्जेक्ट को इस पैराबोलिक मिरर के फोकस पे रख दिया जाए, तो आपको पता है ना कि जो भी लाइट रेस इस फोकस से आएगा, जो भी लाइट रेस इस फोकस से आएगा, वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है. चाहे वो मार्जिनल हो, चाहे वो पैराएक्सियल हो, जो भी लाइट रे इस फोकस से होके आएगा, इस फोकस से आएगा. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे ही है तो सभी लाइट रेस फोकस से ही आएंगी, और जो भी लाइट रेस फोकस से आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद, इस पैराबोलिक मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिलता हुआ लगेगा, इंफिनिटी पे, अनंत पे. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो पैराएक्सियल रेस और मार्जिनल रेस दोनों ही इमेज कहां पे बनाएंगे, इन्फिनिटी में बनाएंगे. यानी दोनों के दोनों रेस इमेज एक ही पोजीशन पे बना रहे हैं. तो इस पॉइंट यानी कि पैराबोलिक मिरर के लिए फोकस और इन्फिनिटी, फोकस और इन्फिनिटी क्या हो जाएंगे, एप्लेनेटिक पॉइंट्स हो जाएंगे. अब इसको उल्टा करके देखते हैं. अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेस आएंगी पैरेलल आएंगी, चाहे वो पैराएक्सियल हो, चाहे वो मार्जिनल हो. रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पहला वाला कंडीशन देखिए. पहला कंडीशन कुछ ऐसा है कि लाइट रेज फोकस से होके आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद इन्फिनिटी पे मिलने जा रहा है. सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, लाइट रेज फोकस से आ रहे हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस. यानी इमेज कहां पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा. तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा. यानी कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एप्लेनेटिक पॉइंट्स हो जाएंगे. पैराबोलिक मिरर के लिए एप्लेनेटिक पॉइंट्स क्या हैं, फोकस एंड इन्फिनिटी, फोकस एंड इन्फिनिटी, फोकस एंड इन्फिनिटी. ओके, एंड सेकेंड केस हम लोग देखते हैं इलिप्टिकल मिरर के लिए. अगर आपके पास इलिप्टिकल मिरर है, ऐसा इलिप्टिकल मिरर है
तो इलिप्टिकल मिरर के लिए देखो मिरर बोल रहा हूं मैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो आउटर सरफेस होगा वो पॉलिश्ड होगा। तो इलिप्टिकल मिरर के लिए देखो एप्लेटिक पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो किसी भी इलिप्स में दो फोकाई होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक को नाम दे दो एफ वन, एक को नाम दे दो एफ टू। ओके, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस हो गया एफ वन, एक फोकस हो गया एफ टू। अब देखो होता यह है कि जो भी लाइट रे इस वाले फोकस से चलेगा वो इस से रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी इंसिडेंट हो, इस मिरर पे कहीं भी इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे फोकस ही जाएगा, दूसरे फोकस ही जाएगा, चाहे वो मार्जिनल हो, चाहे वो पैरा एक्जियल हो, जो भी लाइट रे इस एफ वन से निकलेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ टू से ही जाएगा। यानी कि इलिप्टिकल मिरर के लिए, इलिप्टिकल मिरर के लिए उसके जो दो प्रिंसिपल फोकस हैं एफ वन और एफ टू, दे आर द एप्लेनेटिक पॉइंट्स। यानी कि दीर्घवृत्तीय दर्पण के लिए उसके जो दो मुख्य फोकस होते हैं, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, वही दोनों फोकस उसके लिए क्या है, वही दोनों फोकस उसके लिए एप्लेनेटिक यानी कि अविपथी बिंदु हैं। तो आप कॉन्क्लूजन कुछ ऐसा लिख सकते हो। ओके, कैसे लिखेंगे आप कॉन्क्लूजन? कॉन्क्लूजन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्तीय दर्पण के अविपथी बिंदु उसके फोकस होते हैं, दीर्घवृत्तीय दर्पण के अविपथी बिंदु उसके फोकस होते हैं, तथा परवलयाकार दर्पण के अविपथी बिंदु उसका फोकस व अनंत होता है। परवलयाकार यानी कि पैराबोलिक के लिए फोकस और इन्फिनिटी होगा, इलिप्स के लिए उसके जो दो फोकस हैं वही उसके एप्लेनेटिक पॉइंट्स होंगे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एप्लेनेटिक पॉइंट्स ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग स्फीयर। अगर आपके पास एक स्फेरिकल मीडियम है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, तो उसके लिए आपको एप्लेनेटिक पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, और उसका एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए चलो चलिए कंसिडर करते हैं एक स्फेरिकल मीडियम, एक गोलीय माध्यम हमने कंसिडर किया है। देखिए ये हमने कंसिडर कर लिया एक स्फेरिकल मीडियम, स्फेरिकल बनाओ यार, तो पूरा स्फीयर बन क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल भी ये सर्कल नहीं है बच्चा, याद रखिएगा, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ये हमने बोला है। ओके, और है भी स्फेरिकल मीडियम की बात हो रही है, एक रिफ्रैक्टिंग स्फीयर है। ओके, तो चलिए हमने कंसीडर किया है एक ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एक रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल मीडियम, एक अपवर्तक गोलीय माध्यम हम कंसीडर करते हैं, और मान लेते हैं इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार, कलरफुल बनाओ, ये ले लो आप, और मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है, सेंटर इज कैपिटल सी, सेंटर इज सेंटर है ना, सेंटर इज कैपिटल सी एंड रेडियस ले लो, रेडियस इज कैपिटल आर। तो ये आप लिखते हैं, आपको जब आप डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ परिचय लिखना होता है डायग्राम का, जो आप लिख लेंगे, लेट कंसीडर स्फेरिकल मीडियम ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर सी। तो इसका सेंटर सी है, रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो स्फेरिकल मीडियम है कंसीडर कर लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यानी कि इस मीडियम का अपवर्तनांक म्यू है। ओके, तो हमने कंसीडर कर लिया है एक स्फेरिकल मीडियम जिसका सेंटर सी है, रेडियस कैपिटल आर है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और अब मैं यहां से इस सेंटर से आर बाई म्यू के डिस्टेंस पर, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस सेंटर सी से आर बाई म्यू के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ले रहा हूं, यानी कि मैंने ओ सी इक्वल टू कितना लिया है, ओ सी इक्वल टू आर बाई म्यू लिया है, आर बाई म्यू, ये जो डिस्टेंस ओ सी है, ओ सी इक्वल टू आर बाई म्यू, उस स्फेरिकल मीडियम के सेंटर सी से आर बाय म्यू डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ कंसीडर किया है। ओके, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हेड ऑब्जेक्ट ना, अब मान लो कि वहां से
इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस स्फेरिकल मीडियम के बाउंड्री पर पॉइंट ए पे इंसिडेंट होता है। ये हमने एक रे को इंसिडेंट करवाया है, ग्रीन कलर का है, हरे कलर का, एक प्रकाश किरण। तो लाइट रे इंसिडेंट हो गई है, आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्या है। अगर आप सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल बन जाएगा। यानी कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये नॉर्मल है, यानी कि ये अभिलंब होगा। पॉइंट का नाम दे दो, पॉइंट ले लीजिए आप ए, लेट कंसीडर दिस पॉइंट इज ए। यानी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से एक लाइट रे ओ ए इस स्फेरिकल मीडियम के बाउंड्री पर पॉइंट ए पर इंसिडेंट होती है, इस बिंदु ए पर आपतित होती है। बाहर का मीडियम हम मान लेते हैं कि बाहर एयर है, तो ये डेंसर मीडियम होगा या रेयर मीडियम होगा, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये नॉर्मल से दूर हट गई, ओके, नॉर्मल से दूर हट गई, क्लियर है ये। यानी कि लाइट रे जो है पॉइंट पॉइंट ओ से, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से एक लाइट रे ओ ए इस पॉइंट ए पे इंसिडेंट होता है और रिफ्रैक्शन के बाद वो ए बी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है, ए बी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है, ए बी डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो अगर आप इस ए बी बी डायरेक्शन से आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये जो ए बी रे है कहां से आ रहा है, इधर कहीं से आ रहा है, यही आपको जानना है, ओके, इधर से कहीं से आ रहा है। आपको लगेगा कि ये इधर कहीं से आ रहा है और कहां से आ रहा है, तो देखो मैं जरा इसको आगे बढ़ा लूं, इस ओसी को आगे बढ़ा लेते हैं, ये ओसी को हमने आगे बढ़ा लिया, इस ओसी को हमने आगे बढ़ा दिया है, और ओ जाके उसके कहां मिलेगा, ये ए बी, जब ए बी को जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे, ए बी को जब आप पीछे बढ़ाओगे, तो इस ओसी को मान लो कि ओ डैश पे मिलता है। यानी कि इस ओ का प्रतिबिंब, उस ओ का इमेज कहां पे बनेगा, इस ओ का इमेज ओ डैश पे बनेगा। जरा ध्यान दीजिए, फिर मैं बता रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों को एक रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल मीडियम दिया गया है, उस रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल मीडियम के लिए वी हैव टू डिटरमाइन द एप्लैनेटिक पॉइंट्स। एक गोलीय या गोलाकार माध्यम के लिए, गोलाकार अपवर्तक माध्यम के लिए हम लोगों को अविपथी बिंदु ढूंढ के निकालना है। तो हमने ले लिया है सेंटर सी है, रेडियस आर है, उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हमने उसके सेंटर से आर बाय म्यू डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लिया है और इस ओ से एक प्रकाश किरण जो हरे कलर की दिख रही है इस पॉइंट ए पे इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्शन के बाद और नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको भी कुछ पॉइंट दे दो बच्चा, मान लो ये डी है, ओके, तो सी डी इज द नॉर्मल एट पॉइंट ए, उस नॉर्मल से दूर हट गया है। और जब आप इस ए बी गया है ए बी डायरेक्शन में, तो जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे, तो इस ओ सी को आगे चलकर ओ डैश पर इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि आपको लगेगा कि ए बी कहां से आ रहा है, ए बी इस ओ डैश से आ रहा है, यानी कि ओ का इमेज कहां पे बनेगा, ओ का इमेज ओ डैश पे बनेगा। चलिए ओ डैश पे बनेगा, तो अपने को करना क्या है, ओ सी पता है, ओ सी इज इक्वल टू आर बाय म्यू। हम लोगों को अगर ये पता करना है कि ओ एंड ओ डैश आर द एप्लैनेटिक पॉइंट्स ऑफ दिस स्फेरिकल मीडियम, देन वी हैव टू प्रूव कि यहां से जितना भी लाइट रे चलेगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से, जितना भी लाइट रे चलेगा वो सभी के सभी जो है इस ओ डैश से आता हुआ ही लगेगा, इस ओ डैश पे मिलता हुआ प्रतीत होना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो पहले तो हम यहां पर ले लेते हैं, इस एंगल को हम लोग आई बोलेंगे, आई है बिल्कुल, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं बच्चा, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आर, ठीक है। सो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू आई, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू दिस इज आर, और अगर ये आर है तो क्या ये पूरा कोण भी आर नहीं होगा, होगा ना,
एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश ए सी, एंगल ओ डैश ए सी इज इक्वल टू आर, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम ये मान लेंगे, लेट हमने ये माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं कि ये जो एंगल बना है, जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसको आप अल्फा ले लो, और ये जो रिफ्रैक्टिंग रे है इसको मान लो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको आप बीटा ले लो। यानी कि हमने कंसिडर कर लिया है कि एंगल ए ओ डैश सी इक्वल टू बीटा कंसिडर किया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हमने अल्फा कंसिडर किया। हमने ये माना है कि मान लो ये जो एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये है ऑप्टेट किरण। तो हम ये मानते हैं कि ऑप्टेट किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, और अपवर्टेट किरण जो है वो मुख्य अक्ष से बीटा कोण बनाती है, ये हमने माना है। तो इतनी सारी चीजें आपके सामने हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ सी, बार बार मुझे आगे पीछे होना पड़ेगा, ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल ए ओ सी में मैं लगाने वाला हूं साइन लॉ, साइन लॉ लगाने वाला हूं। कैसे लगाएंगे साइन लॉ? देखो ये ओ सी, ओ सी आपको पता है, ओ सी हमने कितना लिया है, ओ सी इज इक्वल टू हमने आर बाई म्यू लिया है, और ये रेडियस आर है। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं साइन आई अपॉन साइन अल्फा, तो कितना हो जाएगा यहां पे, साइन लॉ के अकॉर्डिंग, साइन लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन अल्फा कितना होना चाहिए, साइन लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन अल्फा कितना होगा। देखो बच्चा, अगर यहां से आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो जरा आप ध्यान दीजिए, आप अपने क्या बोलना चाहिए, आप चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि यहां से थोड़ा सा लॉजिकल चीज चालू हो रहा है। साइन इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, पहले ये देखिए कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ए ओ सी की बात हो रही है, और इस ट्रायंगल ए ओ सी में वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन लॉ। इस त्रिभुज में हम लोग ज्ञान नियम लगाने वाले हैं, साइन आई अपॉन साइन अल्फा। तो जो भी आप एंगल लेते हो उसके सामने का साइड लेना होता है, तो इसके सामने का साइड ओ सी है, इसके सामने का साइड ए सी है, ओ सी अपॉन ए सी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं आपको, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमको पता है ये अल्फा है, हमने माना है अल्फा है, और ये आई है, ये हमने ओ बोला है, ये सी है, और ये ए है, यहाँ पे साइन लॉ लगाइए। तो साइन आई के सामने क्या है, ओ सी है, साइन आई के सामने ओ सी है, मतलब आई के सामने ओ सी है, अल्फा के सामने ए सी है, तो साइन अल्फा के सामने ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू आर बाई म्यू, एंड व्हाट इज ए सी, ये तो आर बाई म्यू है, एंड व्हाट इज ए सी, ए सी इज इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मीडियम आर। तो यहां से आर और आर तो हो जाएगा कट, सो साइन आई अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई म्यू आएगा, वन बाई म्यू। ओके, कोई दिक्कत यहां पर, साइन आई अपॉन साइन अल्फा। याद रखना है कि आपको इस ट्रायंगल में ए ओ सी में साइन लॉ अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल ए ओ सी में साइन लॉ अप्लाई करना है, उसके बाद आप आ जाइए स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, देखो ये आई है, ये अगर आगे जाएगा तो यही तो नॉर्मल था, और ये कुछ ऐसे बेंड हो गया था, ये कुछ ऐसे बेंड हो गया था, ये आर है। तो अभी जो है लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, लाइट रे इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से, पीछे देख सकते हैं आप, इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से एयर में जा रहा है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वन ले लेते हैं, वन होता ही है, 1.00000 कुछ होगा, तो उसको लगभग हम लोग वन ही लेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा। तो यहां पर वॉट इज म्यू टू, यहां पे म्यू टू जो है वो वन है, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू है, तो ये वन बाई म्यू हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वन बाई म्यू हो जाएगा। ओके, और इन दोनों चीज से आप देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है
और ये जो इक्वेशन है ये भी 1 बाई म्यू है, ये भी 1 बाई म्यू है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि साइन आई अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, साइन आई कट गया, साइन अल्फा साइन आर, यहाँ से आपको मिल गया अल्फा इज इक्वल टू आर, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू आर, यानी कि ये जो एंगल है अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इस एंगल आर के इक्वल है, अल्फा इस एंगल आर के इक्वल है, हमने पहले ये देख लिया है कि अल्फा इज इक्वल टू आर, ये जो एंगल अल्फा है वो आर के इक्वल है। चलिए, और अभी भी मैं उसी ट्रायंगल में हूं, अभी भी मैं उसी ट्रायंगल में हूं, कहीं जा नहीं रहा, अभी भी मैं उसी कैलकुलेशन में अपने उसी ट्रायंगल में अपने कैलकुलेशन करने वाला हूं, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये आई है, ये ओ है, ये ए है और ये सी है। तो जरा मुझे ये पता कर लेना चाहिए, ये जो ट्रायंगल होगा ए ओ सी, इसमें ये एंगल तो आई है, ये एंगल अल्फा है, ये जो एंगल है ये कितना है। तो ये जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, आपको बाकी ये दोनों एंगल तो पता है, मैं इस वाले एंगल की बात करना चाह रहा हूं, कौन से एंगल की, ओ सी ए लिख लो या ए सी ओ लिख लो, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू कितना होगा। देखो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी पाई होना चाहिए, पाई में से ये अल्फा ले गया, पाई में से ये आई ले गया, तो बाकी जो बचा ये इसके हिस्से में आया ना भाई, पाई में से 180 में से कुछ ये ले गया, कुछ ये लग गया, ले गया, तो बाकी जो बचा ये ए है, ये इस वाले एंगल की वैल्यू होगी, तो पाई माइनस अल्फा माइनस आई। और अभी मैंने आपको बताया है कि अल्फा किसके इक्वल है बच्चा, अल्फा आर के इक्वल है, चूंकि सिंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू आर, चूंकि अल्फा इज इक्वल टू आर है तो अल्फा की वैल्यू हमने आर पुट कर दी, तो पाई माइनस आर माइनस आई, ओके, इस वाले ट्रायंगल की कहानी हो गई खत्म। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे दूसरा ट्रायंगल भी है ए ओ डैश सी, और अब हम अपने कैलकुलेशंस ए ओ डैश सी में करने वाले हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप, ट्रायंगल ए ओ डैश सी, ओके, तो ये है ए, ये है ओ डैश और ये है सी, ये वाला एंगल कितना है इसमें, ये आर है, आई मत लिख देना, ये आर है और इसको हमने बीटा लिया है और इस एंगल को हमने अभी निकाला है लंबा चौड़ा, पाई माइनस आर माइनस पाई, ये कितना है, ये है पाई माइनस आर माइनस आई है, पाई माइनस आर माइनस आई है। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ डैश सी की, इन ट्रायंगल ए ओ डैश सी, ए ओ डैश सी, ये जो एंगल है, एंगल ए ओ डैश सी जो कि बीटा के इक्वल है, ये कितना होगा, बहुत ही आसान है, देखिए ये एंगल निकालना है आपको, तो यहां पे भी आपको पता है कि पूरा एंगल कितना होना चाहिए, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ओके, इसमें से आर ये ले गया है तो पाई माइनस आर, इसमें से इस वाले एंगल को लिख दोगे एंगल ओ सी ए, ओ सी ए, और उस एंगल की वैल्यू आप रख दीजिए, आप कितनी मिल जाएगी, तो एंगल ए ओ डैश सी यानी कि बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस आर माइनस पाई माइनस आर माइनस आई, तो ये मिल जाएगा पाई माइनस आर माइनस पाई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आर प्लस आई। तो काटो, काटने का मौका मिला है, काटो, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, यानी बीटा किसके इक्वल आ गया, बीटा आई के इक्वल आ गया है, बीटा आई के इक्वल आ गया। देख लीजिए दो चीजें हैं, अल्फा आर के इक्वल मिला हमको और उसके बाद बीटा आई के इक्वल मिला है, और अब इस वाले ट्रायंगल में भी हम लोग साइन लॉ अप्लाई करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द साइन लॉ इन दिस ट्रायंगल ए सी ओ डैश, ओके, इन ट्रायंगल ए सी ओ डैश, इन ट्रायंगल ए सी ओ डैश बाय साइन लॉ, तो चलो इस ट्रायंगल को मैं बना दूं ऐसा कुछ,
ये आपको पता है कितना है, ये हमको पता है बीटा आया है आई के इक्वल, तो अब इसको आई लिख देंगे हम लोग। और ये तो आर है आपको मालूम है, ये सी है, ये ओ डैश है, और ये ए है, ये आर है, और ओ डैश ही आपको मालूम नहीं है, और यही तो आपको पता करना है। चलिए लगाइए साइन लॉ। तो जब मैं साइन लॉ लगाऊंगा तो चलो मैं पहले इसको बीटा ही लिखता हूँ, क्योंकि है तो ये बीटा ही, हमने बीटा लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन बीटा अपॉन साइन आर, तो साइन बीटा, बीटा के सामने कौन सा साइड है, ए सी है, आर के सामने कौन सा साइड है, ओ डैश सी है। ओके, साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा जो है आई के इक्वल है, क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ डैश सी। एंड अगेन साइन आई अपॉन साइन आर, व्हाट इज साइन आई अपॉन साइन आर, जरा ध्यान दीजिएगा आप, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, साइन कहाँ पे है, साइन आई अपॉन साइन आर यहीं पे, सॉरी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वन बाई म्यू, स्नैच लॉ लगा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वन बाई म्यू, तो ये हो जाएगा वन बाई म्यू, वन बाई म्यू, वॉट इज ए सी, ए सी इज इक्वल टू कैपिटल आर, ए सी इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मीडियम, ए सी इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड वॉट इज ओडा सी, यही तो आपको पता करना है बच्चा, ओडा सी पलटी कर लो, सो ओ डैश सी अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, सो ओ डैश सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। अब चालू होता है समझदारी, जब ऑब्जेक्ट आपने इस सेंटर से आर बाय म्यू डिस्टेंस पे लिया है तो इमेज कहां पे बना है, इमेज बना है ओ डैश पे, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, उस सेंटर से म्यू आर डिस्टेंस पे है। अब यहां पे बहुत ही ज्यादा आपको समझदारी दिखानी होगी, सी से आर बाय म्यू डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट को लिया है, जब आपने ऑब्जेक्ट को लिया है सी से आर बाय म्यू डिस्टेंस पे, ओ इज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बना है, होगा ओ का इमेज बना है ओ डैश पर, जो कि म्यू आर के डिस्टेंस पे है, जो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो पोजिशन ऑफ इमेज है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है ऑफ दिस एंगल अल्फा, वो बिल्कुल भी उस अल्फा एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि लाइट रे यहां से जाए, 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 अल्फा पे वो डिपेंड नहीं करेगा। जितने भी रेस इस ओ से निकलेंगे, जितने भी रेस इस ओ से निकलेंगे वो सभी के सभी ओ डैश से आते हुए प्रतीत होंगे, ऐसा लगेगा कि दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ओ डैश, यानी कि मार्जिनल रेस हो या पैराएक्सियल रेस हो, सभी के सभी इमेज कहां पे बनाएंगे, ओ डैश पे बनाएंगे, और ऐसे ही पॉइंट्स को तो हम लोग एप्लेनेटिक पॉइंट्स बोलते हैं, अभिपति बिंदु बोलते हैं, जिनके लिए पैराएक्सियल और मार्जिनल रेस सभी के सभी एक ही पॉइंट पे इमेज बनाते हैं, और यहां पे ऐसा हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट ये सेंटर से आर बाय म्यू के डिस्टेंस पे है तो इमेज कहां पे बनेगा, म्यू इनटू आर के डिस्टेंस पे बनेगा, डजंट मैटर कि लाइट रे कहां पे इंसिडेंट हो रहा है, इट मींस ओ एंड ओ डैश, ओ एंड ओ डैश आर एप्लेनेटिक पॉइंट्स, एप्लेनेटिक पॉइंट्स, ओके, फॉर दैट स्फेरिकल मीडियम, और आपको पता चल जाएगा कि आर बाय म्यू एंड म्यू आर, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को आर बाय म्यू के डिस्टेंस पर रखोगे सेंटर से, अगर आप ऑब्जेक्ट को वस्तु को आर बाय म्यू के डिस्टेंस पर रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगा, म्यू आर डिस्टेंस पे बनेगा, सेंटर से म्यू आर डिस्टेंस पे बनेगा, तो ये हो जाएंगे आपके एप्लेनेटिक पॉइंट्स फॉर स्फेरिकल मीडियम, गोलीय माध्यम के लिए अभिपति बिंदु हो जाएंगे। और अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, याद है क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देख बाला गिरा देख, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज म्यू आर है, डिस्टेंस ऑफ इमेज आर बाई म्यू है, तो यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन आ जाएगा म्यू ऑफ स्क्वेयर्स, ओके, रैखिक आवर्धन निकाल लिया है, ओके। तो इस वीडियो में हमने बात करी है व्हाट आर एप्लेनेटिक पॉइंट्स, हमने समझा है कि अभिपति बिंदु क्या होते हैं, और हमने
स्फेरिकल मीडियम के लिए एप्लेनेटिक पॉइंट्स डिटरमाइन किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।